टीवी सच सबसे आगे। नमस्कार आदाब, मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पूरी दुनिया का हाल इस वक्त बेहाल है कोरोना वायरस से जंग लड़ने में, तो वहीं दूसरी ओर भारत में कोरोना वायरस से बड़ा मीडिया वायरस बन चुका है, जो हर रोज फेक न्यूज और फर्जी खबर चला चला कर करके देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की एक साजिश और कोशिश कर रहा है। हर बार उसको मुंहतोड़ जवाब पुलिस प्रशासन की ओर से देश के अलग अलग हिस्सों से मिल रही है और फटकार लगाया जा रहा है और मीडिया की फजीहत हो रही है कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये गलत खबर है। आज एक खबर पर जी न्यूज़ ने माफ़ी मांगी है। आपको बताते हैं कि क्या कारण था और इसने जी न्यूज़ ने और जी न्यूज़ के साथ साथ अलग अलग मीडिया चैनल्स ने कब कब गलत खबर चलाया है, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे और पूरा समझाएंगे और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है हमारे सामाजिक सौहार्द पर, उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे, आपको डिटेल से हर एक चीज़ के बारे में बारीकियों से बताएंगे। आज सबसे बड़ी खबर यही है कि जी न्यूज़ जो लगातार अपना एजेंडा चलाता है, एक संप्रदाय के खिलाफ नफरत भरा दूसरे संप्रदाय से लड़ाने की कोशिश करता है और नफरत भरता है दूसरे संप्रदाय में, तो वो आज नतीजा हुआ है कि उसकी पोल खुली है एक के बाद एक। आपको मैं बताने जा रहा हूं, उसने माफी, जी न्यूज ने माफी मांगा। आखिर जी न्यूज ने क्या गलती की थी? अरुणाचल प्रदेश को लेकर के उसने खबर चलाई जी न्यूज ने कि 11 तबलीगी जमात के पेशेंट कोरोना वायरस से संक्रमित लोग मिले हैं और उसको फटकार लगाते हुए अरुणाचल प्रदेश सरकार कह रही है, जी न्यूज तुम झूठे हो, झूठे कहा है, तुम्हारी कोई विश्वसनीयता नहीं है। इसके बाद जी न्यूज माफी मांगता है। अब इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए कि तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए जिस अरुणाचल प्रदेश में कोरोना का सिर्फ एक केस होता है, लेकिन जी न्यूज को वहां 11 जमाती कोरोना वायरस से दिखाई पड़ जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए इस तरह की कितनी डिबेट, कितने हेडलाइंस और कितनी बहस हो चुकी होगी और समाज में क्या संदेश गया होगा। यह खबर हाईलाइट हो गया, माफी मांग ली, हो गई, लेकिन ऐसी कितनी खबरें होंगी जिनकी तफ्तीश नहीं हो पाई होगी और अपने मन मुताबिक खबर चलाई होगी। सोचिए कि मीडिया इस प्रकार जहर घोल रहा है समाज में और अपने मनगढ़ंत, उनको लगता है कि हम देश के चौथा स्तंभ है तो हम कुछ भी कर लेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिम्मेदार लोगों ने, जो हमारी जो देश की जो पुलिस प्रशासन है, उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हर बार मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया और फटकार लगाया कि आप गलत खबर चला रहे हो, सिर्फ एक पेशेंट थे उसको 11 बता दिया। और जी न्यूज ने अपने माफी में लिखा है, माफी मांगते हुए कहा है, मानवीय भूल से जी न्यूज पर अरुणाचल प्रदेश में तबलीगी जमात के 11 लोगों को संक्रमित होने की खबरें दिखाई थी जो सरासर गलत है। ये मानवीय भूल नहीं है, ये जान करके गलती की गई थी, ये एजेंडेबाजी थी उनकी, प्रशासन ने उनकी पोल खोल दी, उनको फटकार लगाया, तो ये मानवीय भूल करा बैठे। इससे ठीक है, ये मानवीय भूल हो सकता है, और मैं बताता हूँ कि और इन्होंने कब गलती की थी। आपको फिरोजाबाद लेकर चलते हैं। फिरोजाबाद को लेकर के कहा गया कि वहाँ पे 4 लोग तबलीगी जमात के लोग पुलिस पकड़ने के लिए गई तो वहाँ पे इस पर पथराव किया गया। तुरंत फिरोजाबाद की पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि कोई पथराव नहीं हुआ है, कोई एम्बुलेंस पे पथराव में आगजनी नहीं की गई है, किसी तरह की हिंसा नहीं हुई है, आप ये खबर गलत है, आप इसको इस ट्वीट को डिलीट करें। वहाँ पर उनकी एक फजीहत हुई फिरोजाबाद में। अब आपको लेकर चलते हैं रायपुर। रायपुर के बारे में ये चलाया गया, जी न्यूज ने चलाया, कोरबा से रायपुर लाए गए जमाती ने एम्स में क्या हंगामा, मरीज ने डॉक्टर पे थूकने और भागने की कोशिश की। एक तो चोरी, उस पे से सीना जोरी, ये आपने कहावत सुनी होगी। साथ में ये भी कहा कि एम्स ने कहा है, रायपुर के एम्स की तरफ से ये बयान आया है, ये हेडलाइन चलाया गया, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन दरअसल मामला क्या था और इसको एम्स ने, रायपुर एम्स ने खंडन करते हुए फटकार लगाते हुए क्या कहा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर प्रबंधन ने मेडिकल बुलेटिन के माध्यम से स्पष्ट किया है कि कोरबा के नाबालिग कोरोना वायरस के पॉजिटिव रोगी ने चिकित्सकों या किसी कर्मचारी पर थूकने का कोई प्रयास नहीं किया, रोगी निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप दवा ले रहा है। एक तो मतलब झूठ, उस पे से इतना कॉन्फिडेंट कि उसने एम्स का भी हवाला दे दिया कि एम्स की तरफ से यह बयान आया है, जबकि एम्स ने खुद खंडन किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, सारा पेशेंट सही ढंग से दवा ले रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, किसी ने थूका नहीं है, ना ही किसी ने बदतमीजी और मारपीट की है। तो एक के बाद एक
तीन इनकी झूठ पकड़ी गई और खुद प्रशासन ने इनकी झूठ को खोल का पर्दाफाश किया। हर जगह पे जमाती का नाम ले कर करके कि जमाती पथराव कर रहे हैं, जमाती अश्लील हरकत कर रहे हैं। आपको पता होगा कि अश्लील हरकत करने वाला वीडियो अल्ट न्यूज़ ने वो जारी किया है कि वो वीडियो पाकिस्तान का है, और जो न्यूड बताया गया कि न्यूड होकर करके ये लोग यहाँ पे नंगे होकर करके महिला नर्स के सामने बदतमीजी कर रहे हैं, तो वो सारे वीडियो वो जो थे वो पाकिस्तान का था, वो भी एक साल पुराना। और साथ में आपको यही बताया कि थूकने वाला किस तरह से चला गया, थूकने वाला मामला वो कहाँ का था, वो निकला महाराष्ट्र के ठाणे का निकला। बिहार के मधुबनी में कहा गया कि पुलिस पर पथराव किया गया, वो मामला वो कहाँ का निकला, वो झारखंड के आदिवासी इलाके का निकला। तो इस कदर इतने बड़े लेवल पर ये खबर चलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं समाज में जो इसका इम्पैक्ट पड़ा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम और बातें करते हैं कि जी न्यूज़ ने तो चार खबरें जो गलत चलाई जो पकड़ी गई, लेकिन ऐसी कितनी डिबेट होती होंगी, देखते होंगे कि किस तरह से जहर नफरत जो है वो नफरत फैलाया जा रहा है समाज में। आप खुद देखते होंगे कि कैसे एक मौलाना और एक पंडित और एक बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं और बैठ कर करके ये सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से लड़ाने की बात होती है, और हम लोग कोई उस पर हम लोग हर आंख बंद कर करके, क्योंकि जो भक्त है, मैं कई बार कह चुका हूँ, कल भी बताया मैंने आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि ये खबर फर्जी है, क्योंकि उनके भक्त को हर चीज़ सच्चाई नज़र आती है, उनको तो दिमाग होता नहीं है और उस पर अमल कर बैठते हैं, जिसका नतीजा होता है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है हमारे समाज का। और इनकी पोल तो अब खुली जब मीडिया पुलिस ने हर जगह से एक के बाद एक ट्वीट कर करके बताया कि ये आप गलत चला रहे हो, आप झूठ बता रहे हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं। इसी तरह से ANI ने एक ट्वीट किया था अभी हाल में ही, दो दिन पहले। ANI की स्मिता प्रकाश जो मेन एडिटर चीफ है, उन्होंने भी कहा था कि आप सेफ हो जाओ, जमाती का नाम जोड़ दिया था, लेकिन नोएडा DSP ने उसको खंडन किया और कहा कि ये झूठी और अफवाह खबर, गलत खबर है, ये फेक न्यूज है। तो इस तरीके से इतने बड़े लेवल पर पे ये फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। अब इसकी पोल खोलती देखी तो आज जी न्यूज ने माफी मांगी। अब आते हैं इनके अलग अलग किरदार पर कि इन्होंने पहले कब कब गलत खबर चलाई थी और क्या फेक न्यूज फैलाया था। आपको याद होगा कि जब नोटबंदी हुई थी, 2000 नोट का नया नोट आया था, तो उसको लेकर के जी न्यूज पर उनके जो एडिटर इन चीफ है सुधीर चौधरी, उन्होंने क्या चलाया था, 2000 के नोट में चिप है, माइक्रो चिप लगा है, नैनो चिप लगा है, ये नोट कहाँ है, किसके पास है, कहाँ छिपा है, ये बता दिया जाएगा। लेकिन वो खबर क्या साबित हुई, झूठी और गलत खबर निकली और ये एक तरह से अफवाह थी। और साथ में अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने जिहाद पे पूरा एक शो चलाया, कितना बाहिया शो था, और कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी में नफरत भरने के लिए इस तरीके का सोच लाया गया। अब ऐसा लगने लगा है लोगों को ये कि ये जो खबर चलाई जा रही है, ये इस तरीके से खबर चला कर करके किसी एक पार्टी जो सरकार है उसकी नाकामी को छुपाने की जो काम कर रहे हैं, ये एजेंडे के तहत चलाया जा रहा है। लेकिन खैर भला हो पुलिस प्रशासन का और उनको सलाम की बार बार वो उन फटकार लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी मीडिया कर्मी आदत से बाज नहीं आ रहे। लेकिन हालांकि आज इन्होंने खेद जताया है, वो भी खेद जताया है कि मानवीय भूल हो गई, ये साहब मानवीय भूल नहीं थी, आपने जानबूझ कर करके गलती की थी। अब आपको या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो बातें हैं, माफ़ी मांगने का एक असर ये भी दिख सकता है कि जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और कहा है कि मीडिया समाज में नफरत फैला रहा है और एक पूरी मुसलमान कम्युनिटी को बदनाम कर रहा है, जिसका नतीजा होता है दिल्ली के बवाना में एक 22 साल के दिलसाद नामक लड़के को उनके गांव के ही तीन लड़के पकड़ कर करके एक सुनसान जगह ले जाते हैं और पीटते और मारते हैं, क्योंकि उसको ये बताया गया कि ये साजिश रच रहे हैं कोरोना वायरस फैलाने का। अब सोचिए, WHO कह चुका है, UN कह चुका है, यहाँ तक कि अमेरिका के एम्बेसडर को कहना पड़ा कि किसी को भी एक धर्म पे और या किसी इस कोरोना वायरस के नाम पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद मीडिया ये साबित करने पर तुला पड़ा था कि हिंदुस्तान में जो कोरोना वायरस फैला है वो किसी और ने नहीं बल्कि मुसलमानों ने फैलाया है। और इसका नतीजा होता है कि अलग अलग जगह पर, अब दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक गाँव में जहाँ पे
आधार कार्ड चेक कर करके सब्जी बेचने वाले को, फल बेचने वाले को, या फिर कबाड़ या फिर जो भी हो, उनको जाने दिया जा रहा है और आधार कार्ड पे चेक किया जा रहा है। और अगर वो मुसलमान होता है तो उसको भगाया जाता है, उनको जलील किया जाता है, इज्जत कर करके भगाया जाता है। तो ये इसका इम्पैक्ट बड़ा है और कितने लोगों की जान ले लेगा। ये तो कल तक जग जाहिर था कि मीडिया ये काम करता है कि बीजेपी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी के आईटी सेल के लिए काम कर रहा है, ये यहाँ तक चल रहा था। लेकिन अब तो मीडिया आदमखोर बन चुका है, मतलब इंसानों की हत्या करवाने पर तुला हुआ है, देश में नफरत फैला रहा है। और आप बता दें हैं कि सुधीर चौधरी, ऐसा नहीं है कि ये जो रिटर्न चीफ है, ये फेक न्यूज 2000 का नोट हो, वो साजिशकर्ता भी हैं, वो एजेंडेबाज भी हैं। इसी की वजह से वो तिहाड़ की हवा भी खा चुके हैं, दिल्ली के मशहूर जेल तिहाड़ जेल भी गए हैं। आपको बता दें कि वो क्यों गए, उनका कारनामा है, कांग्रेस के सांसद नबील जिंदल कोल घोटाला हुआ था उसको लेकर करके कुछ खबरें ना पब्लिश करने के लिए 100 करोड़ रुपए का डिमांड रखा था कि 100 करोड़ रुपया दें, कोयला घोटाला में शामिल होने की खबर प्रकाशित ना करेंगे, इसको लेकर कर करके इसके स्टिंग किया गया था और सुधीर चौधरी को जेल जाना पड़ा था। तो ये तो एजेंडेबाज हैं, ये साजिशकर्ता है, तो इसमें किस ये जग जाहिर है, हर कोई जानता है। अगर इस तरह से फेक न्यूज़ फैलता रहे तो सोचिए क्या हो सकता है और हमारे देश का क्या मुस्तकबिल होगा। हर कोई एक दूसरे से दंगाई और नफरत करने लगे, दंगाई बन जाएगा और नफरत करने लगेगा। खैर, हमारे पुलिस इस खबरों का खंडन कर रही है और मीडिया कर्मियों को झूठों को एक्सपोज कर रही है और फटकार लगा रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के आँखों का पट्टी खुल रहा है और लोग समझेंगे और मीडिया कर्मी भी होशियार होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी उनके खिलाफ याचिका दायर हो चुकी है, महाराष्ट्र में केस हो चुका है। अब पुलिस एक के बाद एक उनके झूठों खबरों का और अफवाहों का खंडन कर रही है। बस आपसे भी यही उम्मीद है कि ऐसे ही बिना जांचे परखे किसी वीडियो को आगे ना बढ़ाएं और नफरत एक दूसरे से ना करें, जो आपस में एक दूसरे मिलजुल करके रहते हैं, साथ में मिलजुल करके रहे, और तभी हमारे हिंदुस्तान की तरक्की भी हो सकती है और हम आगे प्रगति भी कर सकते हैं। अगर इन मीडियाओं के अफवाहों की वजह से हम लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे तो हम लोग काफ़ी पीछे चले जाएंगे और समाज में नफरत फैलेगा और कुछ भी नहीं, किसी का भला नहीं होने वाला इससे। अगर देश को एकता अखंडता में से आगे बढ़ाना है तो इन मीडिया जो ये मीडिया वायरस है, इससे काफ़ी सतर्क रहना होगा और इनसे सवाल करना सीखना होगा कि आप देश के लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी दिखा दें, आप भी सवाल कीजिए, आप भी ट्वीट कीजिए और इनके झूठों को एक्सपोज कीजिए जहाँ पे भी आप देख रहे हैं। अगर लगता है कि आपको ये फेक न्यूज़ है, ये गलत है, तो इनका खंडन कीजिए और हमें भी पहुँचाइए ताकि हम भी इनको एक्सपोज करें और दिखाएं कि ये किस तरह से अपनी एजेंडेबाजी के तहत एक कम्युनिटी के प्रति नफरत भरा बैठे हैं दूसरे कम्युनिटी में। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।